मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बीते दिनों अंबरनाथ में दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की जांच में जुटी थी। पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र बैलगाड़ी संघ के अध्यक्ष पंडरीनाथ फड़के को गिरफ्तार किया है, लेकिन पंडरीनाथ फड़के ने पुलिस पर ही आरोप लगाया है कि उनकी कंप्लेंट को पुलिस ने दर्ज नहीं किया था। साथ ही अपने वकील के जरिए कहा है कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव है। फड़के का कहना है कि सबसे पहले राहुल पाटिल ने उन पर फायरिंग की थी और बचाव के लिए फड़के के समर्थकों ने भी फायरिंग की, लेकिन पुलिस राहुल पाटिल के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रही है। सुनिए फड़के के वकील एडवोकेट उमेश केदार ने क्या कहा है। मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा कि शिवाजी नगर पुलिस थाने में 403/2022 जो FIR लॉज हुआ है 307 और अन्य कलमों के तहत, उसमें मेरे क्लाइंट पंडरीनाथ फड़के और अन्य आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट की है। और उसमें जब उनको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया, उसके बाद उनको 21 तारीख तक पुलिस कस्टडी दी गई है। जिस दिन उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, उसी दिन पंडरीनाथ सेठ फड़के, इनका माननीय न्यायालय से अनुरोध था कि जिस वक्त ये घटना हुई है उनकी तरफ से कोई भी फायरिंग नहीं हुई है, बल्कि सामने वालों की तरफ से फायरिंग हुई है। बावजूद उसके उन्होंने जब तक कंप्लेंट देनी चाहिए पुलिस को, तो पुलिस ने उनकी कंप्लेंट नहीं ली। तो हमने माननीय न्यायालय से दरख्वास्त की कि हमें माननीय न्यायालय परमिशन दे कि हम उनकी कंप्लेंट पे माननीय न्यायालय के परमिशन से उनकी सिग्नेचर ले सके। आपके माध्यम से हमारी यही डिमांड है कि जिस तरीके से सारे CCTV में दिख रहा है कि दो गुट आमने सामने भिड़े थे, और पंडरीनाथ फड़के उनका भी यही कहना है कि उस दिन उनके ऊपर फायर हुआ है, उनके गाड़ी को बुलेट से डैमेज हुआ है, उसके बावजूद भी पुलिस ने उनकी कोई कंप्लेंट नहीं ली है, शायद पुलिस के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है, ऐसा पंडरीनाथ सेठ फड़के का बोलना है। उसके बाद हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है, लेकिन आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है। तो हम भी ये जानना चाहते हैं कि पुलिस के ऊपर किस चीज़ का प्रेशर है कि जिसकी वजह से FIR नहीं हो रहा है। अगर पंडरीनाथ सेठ के सेठ का FIR दर्ज हो जाता है, तो हम यही चाहेंगे कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी कल्प्रिट हो उनको अरेस्ट हो, और भविष्य में अगर हमारा कोई दोष निकल के आता है तो हम माननीय न्यायालय जो भी हमको सज़ा दे, हमारे जो पक्षकार है, हमारे जो पार्टी है पंडरीनाथ सेठ के या उन फड़के या उनके कलीग्स, उनके साथ जो सह आरोपी, उनको जो भी सज़ा दे वो हमें मंजूर होगी।